दबंगों द्वारा किया जा रहा है जमीन पर अवैध कब्जा, दर दर भटक रहा है प्रार्थी, नहीं हो रही है कोई सुनवाई। पूरा मामला उन्नाव जिले के नवाबगंज क्षेत्र सेरसा ग्राम का है। दबंगों द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। प्रार्थी अनुज महारानी देवी को आए दिन गांव के ही अमित, सुमित, फोटेलाल, अनित, प्रीमावर्ती, लक्ष्मी द्वारा जान से मारने की धमकी देते हैं। थाने व चौकी में तहरीर देने के बाद भी नहीं हो रही है किसी प्रकार की कोई सुनवाई। प्रार्थी का परिवार डरा हुआ वह समा है। क्षितिज वाजपेयी की रिपोर्ट। आपका? हमारा नाम अनुज है। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ घटना ये घटी, जबरदस्ती हमारे जमीन घर पे कब्जा किया जा रहा है। जमीन पर भी? घर पे नहीं, घर पे कब्जा किया जा रहा है, दीवार तोड़ के। किन लोग, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं आपके? प्रेम के लड़के हैं वो, सुमित, अमित और छोटेलाल और गोलू, उसके बाद उनके अनीत भी हैं, सभी लोग हैं। तो आपने तहरीर दी पुलिस को? नवाबगंज चौकी में हमने कंप्लेन भी किया, एप्लीकेशन दिया, अजगैन थाने में भी दिया, उन्नाव एसपी ऑफिस में भी दिया था। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं। दिनांक 30 तारीख का ये मैटर है, 30 की ये घटना है। अभी आज 18 तारीख हो रही है और पुलिस वाले केवल जो है हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आज चलेंगे, कल चलेंगे, और कोई हमारे मतलब उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा कर रहे हैं ये लोग, और हम बहुत परेशान हैं। और हमारी योगी सरकार से यही निवेदन है कि जो है हमारे मतलब उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबरदस्ती दीवार तोड़ के दबंगई और गुंडे और हमको जान से मारने की कोशिश भी की गई, राड से मारने की, राड और कहने लगे कट्टा ले आओ गोली मार देंगे, और फिर भी सुलानामा लग गया था। उसके बाद फिर भी हमने तुरंत चौकी में सूचना दिया और उसके बाद भी चौकी वाले कहने लगे दो चार दिन रुक जाओ, फिर हम फोर्स नहीं है। फिर आप क्या मांग करते हो शासन और प्रशासन से? शासन से हम यही मांग करते हैं कि जो है उन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, और हम रोज पुलिस के चौखट पे जा जा के हम परेशान हो गए हैं।